हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है विपाल और आप देख रहे हैं एमपी ब्लॉग्स चैनल। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबा लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियोज़ की जानकारी आपको तुरंत हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम गाड़ी कैसे चलाएंगे, हमें बोनट नहीं दिखेगा तो हम गाड़ी का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे या फिर हम आगे का जजमेंट कैसे लेंगे और लेफ्ट या राइट का जजमेंट कैसे लेंगे। तो आज उन्हीं लोगों के लिए आज का ये वीडियो जिन लोगों की हाइट कम रहती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं कुछ सिटिंग पोजीशंस के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि जिनकी हाइट कम है या लगभग 5 फीट है या 5 फीट से थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा है तो वो लोग कैसे गाड़ी चलाएंगे। नॉर्मली दोस्तों मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है और मुझे ऑल्टो K10 का बोनट दिखाई देता है आसानी से, और जिन लोगों की हाइट 5 फीट होगी मुझे नहीं लगता कि उनको बोनट दिखाई देता होगा। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन है मेरे पास दोस्तों, मैं उसी के लिए आप आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं पहले सीट की सेटिंग बता दूंगा कि किस तरीके से आपको करनी है और उसके बाद मैं बता दूंगा कि अगर हाइट आपकी कम है तो आप, अगर आपके गाड़ी में हाइट एडजस्टमेंट नहीं है सीट पर, तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले तो हमें अपनी हाइट के अनुसार अपनी गाड़ी अपने सीट को एडजस्ट करना है। चलिए इसको मैं बाहर जाके दिखा देता हूँ गाड़ी के, ये मैं बाहर निकला। ये देखिए दोस्तों हमारी सीट के नीचे नोक दिया हुआ होता है, ये रहा इनोब, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये वाला। जैसे हम इसको दबाएंगे सीट को आगे या पीछे कर सकते हैं। अभी मैं करके दिखा देता हूँ जरा, ये देखिए इसको सीट आगे या पीछे आसानी से हो सकती है। उसके बाद दोस्तों बात आती है अप या डाउन करने की। दोस्तों अगर अप या डाउन करने के लिए हमारी गाड़ी में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि हम सीट को ऊपर कैसे उठाएं हाइट को, तो उसका सॉल्यूशन है मेरे पास दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग करिएगा क्या कि आप लोग कुशंस या फिर जो थोड़ी गद्दी टाइप की आती है आजकल मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध है, मिल जाएगी, इस पर आप रख लीजिए अपने हाइट के अनुसार। थोड़ी मोटी खरीद लीजिए या थोड़ी पतली खरीद लीजिए, वो आप अपने अनुसार देख लीजिए कि आपकी हाइट कितनी कम है। उसके बाद दोस्तों बात आती है पोजीशंस की, गाड़ी कि हम लोग आगे कितनी सीट करके रखें कि हमें गाड़ी के हमारे पैडल्स पर पैर आसानी से पहुंच सकें। उसके लिए दोस्तों मैं दिखा देता हूँ कि हमें करना क्या है। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जैसे मेरे पैर हैं अभी, मैंने देखिए मैं दिखा देता हूँ पूरा, ये मैं पैडल्स पे आसानी से मेरे पैर यहाँ से पहुंच रहे हैं। ये दोस्तों मैंने अपने हाइट के अनुसार सीट एडजस्ट की हुई है, ये देख रहे होंगे मेरे पैरों में आसानी से यहाँ पे अच्छा खासा गैप रहता है अभी, और मैं पैडल्स को आसानी से दबा सकता हूँ और उठा सकता हूँ। तो दोस्तों आपको भी करना यही कि आप सीट को इतना आगे की तरफ एडजस्ट कर लें कि आप क्लच को आसानी से पूरा प्रेस कर सकें, ब्रेक्स को और एक्सीलेटर को आसानी से प्रेस कर सकें। उसके बाद दोस्तों हमें सीट को आगे तो हमने कर ली पूरी, और यहाँ पे थोड़ा गैप रखना जरूरी है। अगर ये आप गैप बिल्कुल पाट देंगे तो उससे होगा क्या, जब आप क्लच छोड़ेंगे तो आपका पैर ऊपर की तरफ यहाँ पे टकराएगा, उससे क्लच छोड़ने में आपको दिक्कत होगी। और आगे कितना करना है दोस्तों, तो आगे तो जब आप सीट को इतना आगे कर लेंगे थोड़ा, अगर ये देख सकते हैं कि काफी गैप है अभी मेरे और हैंडल के बीच में, अगर मैं थोड़ा और आगे यानी कि इतना भी बढ़ा लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग चाहे तो सीट को थोड़ा और, जैसे कम हाइट वाले हैं तो इसको आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। और मैंने सॉल्यूशन बता ही दिया कि अगर आपकी गाड़ी में सीट ऊपर नहीं कर सकते तो आप सीट पर कुशंस रख लीजिए या फिर प्लोज वगैरह रख लीजिए ताकि आप लोगों की सीट थोड़ी ऊंची हो जाए और आपको आसानी से सामने का दिखे। और जिन गाड़ियों में हाइट सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो आप आसानी से सीट को हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, सीट को आप कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। तो कम हाइट वाले कभी भी ये ना सोचे दोस्तों कि वो गाड़ी नहीं चला सकते या उनकी हाइट कम है तो वो गाड़ी चलाने में उन्हें कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हर सभी गाड़ियों में सीट एडजस्टमेंट दोस्तों अलग अलग आता है,
इस तरीके से आप अपनी सीट को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं और गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। बस आप लोगों को करना क्या होगा कि आप लोगों को घबराना नहीं है कि हमें बोनेट नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या करें। दोस्तों उन सबके लिए मेरी एक पूरी सीरीज़ बनी हुई है वीडियोस की कि ड्राइविंग किस तरीके से करें, उसका भी लिंक आई बटन में मिल जाएगा, और लेफ्ट आई जजमेंट कैसे करें उसका भी लिंक आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह के भी लिंक हैं, वो सब भी मैं आई बटन में दे दूंगा आप लोगों को, तो वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं और आप लोग ड्राइविंग आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन असली जो सीखना है दोस्तों गाड़ी वो दोस्तों आपको गाड़ी चलाने के बाद ही प्रैक्टिस होगी। और वीडियो देख के दोस्तों क्या है कि आप लोग थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि हमें किस तरीके से जजमेंट करना है, हमें किस तरीके से कौन सी ट्रिक अपना के हमें किस तरीके से गाड़ी चलानी है। और जब आप गाड़ी चलाएंगे मेन एक्सपीरियंस आपको तभी आएगा जब आप लोग गाड़ी को ड्राइव करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।